मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज पुनः आप सबके लिए बीए के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लेकर के आया हूँ जो एसओसी कहलाते हैं, सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी से स्पेशली कर रहे हैं बीए उनके लिए है। तो आज मैं 22 तारीख को एग्ज़ाम है, 23 को नहीं है, 24, 25, फिर 26 को नहीं है, फिर 27 को है, फिर 28 को नहीं, फिर 29 को है, फिर 30 को नहीं है, 31 को। दीज आर द पेपर्स एसओसी 293, 94, 312, 291, 292। मतलब 291, 292, 293, 294 आणि 295 आणि 312। तो चलिए आज हम इस पर वीडियो देखते हैं। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, गायत्री जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, उन्हीं के हेल्प से आज ये वीडियो संभव हो सका है। तो चलते हम सीधा पेपर पर। 2018 के जो कि पेपर्स हैं, मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। आप लोग यह वीडियो देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और आगे बढ़ते हैं। मेरे दो चैनल हैं, ब्रजेश पांडे मोटिवेशनल स्पीकर एंड ब्रजेश पांडे, दोनों चैनलों पर आप लोग आते रहिए, अपडेट देते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, कोई चीज़ मिस ना हो। तो मित्रों चलते हैं आगे। सबसे पहले सोशियोलॉजी 291, पर्यावरण व समाज। देखो ईवीएस आपने एग्जाम दिया होगा पिछले साल जी, पर्यावरण समाज में, उसमें ही 50% ईवीएस से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ईवीएस पढ़ा है एक बार बुक रेफर कर लो, फिर उसके बाद ये बुक देते हैं। 80 मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 80 नंबर का पेपर 75 से 100 नंबर में लिखना होता, अंक में आपको शब्दों में लिखना होता है। पर्यावरण आदि प्राकृतिक घटना स्पष्ट करा, पर्यावरण की प्राकृतिक घटना को स्पष्ट करो, कैसे होता है, कैसे समाज के लिए, हमारे आसपास के लिए जरूरी है। लोक संख्या वितरणावर ऐतिहासिक घटना कैसा परिणाम करता हूँ, चूँकि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी साथ साथ चलती है, इसलिए आपको ऐतिहासिक घटना लोक संख्या के वितरण पर क्या परिणाम देती है, क्या उसका इम्पैक्ट है वो लिखना। ऊर्जे चा विनिमय व उपयोग पूर्णता प्रकारे होतस्तो वो लिखिए। कालानुरूप मानवीय समाज उत्क्रांति चा अहवाल थोड़े कहते स्पष्ट करा, इसका मेन क्वेश्चन क्या है। कालानुरूप मानवीय समाज उत्क्रांति, इसका अहवाल थोड़े शब्द में लिखिए। 5 मार्क एक पेज। पृथ्वी चा तापमान बाढ़ होने कारण सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, हम लोग एसी फ्रिज ये सब लगातार यूज कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, आवश्यकता नहीं फिर भी, तो उसका पर्यावरण पर यह दुष्प्रभाव है। गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मानवाचा निसर्गा बरोबर निसर्ग चक्रात कोणते अडथले निर्माण झाले, कोणते अडथले ये मेन है। मानवाचा निसर्गा बरोबर निसर्ग चक्रात वो लिख दो। ब्रुटलैंड ने पर्यावरण हुकूमत संदर्भात कशा विषय स्पष्टीकरण दिले, ब्रुटलैंड की स्पष्टीकरण को आप लिखिए। समुद्रातील प्रदूषणामुळे माशांवर कोरते परिणाम, सिंपल सी बात, हम मर रही हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी की मछलियाँ नहीं आ रही हैं और लगातार हम लोग नदियों में गंदे पानी छोड़ देते हैं, फिर नदियों से समुद्र में जाता है तो उससे वहाँ प्रदूषण होता है, बहुत तकलीफ होती है ना, इससे बैलेंस बिगड़ता है। UNED का एजेंडा 21 वर्णवंटीकरणावर कोणते मार्गदर्शन दर्शित, तो वो पढ़ डालिए आप लोग, ठीक है। एजेंडा 21 पॉन्डस यानी मांडलेला राज्य संस्थेचा उपायुक्त 6 मुद्द्यांपैकी कोणते, 5 मुद्दे, अच्छा का छावा लिख डालो। पॉन्डस यानी मांडलेला राज्य संस्थेचा उपयुक्त 6 मुद्द्यांपैकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाणात वाढ झाली तर कोणते परिणाम होऊ शकतात, बहुत सारे परिणाम हैं इसके, सांस लेने में प्रॉब्लम, हवा में गंदगी, इससे सांस के रोग होते हैं, टेंशन होता है, दिमागी रोग होता है। पहाड़ियों प्राणी व वनस्पति मधिल जैविक विविधता स्पष्ट करा, अगला जागतिक वातावरण बदलाचा कोणता परिणाम जैविक विविधतेवर होता है, परिणाम ही परिणाम है ये, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम। भारतात औद्योगिकीकरण व नागरीकरणामुळे कोणत्या समस्या, प्रदूषण बहुत बढ़ता है, जितनी पहले गांव थे अब वो शहर बन रहे हैं, धीरे धीरे नगर बन रहे हैं, तो वहाँ जो चीज़ें गांव में नहीं रहती थी पहले अब वहाँ बन रही हैं, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे वहाँ भी प्रदूषण के नए नए इंतजाम किए जा रहे हैं शहरीकरण और औद्योगिकरण के नाम पर। ओजोन वायु की निर्मित कशी होती, O3 के बारे में आप लोग लिखना, उसका मानवीय आरोग्य पर कोणते परिणाम होते हैं। ओजोन आप जानते हैं ऊपर लेयर में है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती हैं, उसमें छेद भी हो चुका है जिससे लोगों को कैंसर आदि जैसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण साठी ध्वनि प्रदूषण रोकने साठी कोणते निर्माण, आप जानते हैं ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं, ज़्यादा डेसिबल पर आवाज़ मत करो, हाँ ज़्यादा ऊंचा साउंड मत बजाओ, ये सब चीज़ें हैं। और इसमें क्या लिखा है देख लेना, जल व्यवस्थापन साठी कोणता उपाय योजना करता है, देखो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सॉइल प्रदूषण,
एयर पोल्यूशन, यही 4-5 पोल्यूशन आप जानते ही हैं, ईवीएस में पढ़ें, यही मेन होता है। इसी को जान लिए तो आप पर्यावरण संबंधित कोई भी चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। पाणलोट सहित वाटर शेड की संकल्पना स्पष्ट करा कैसे होता है। भारतातील वनांचे प्रकार वो लिख डालो, वन के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आएगा। निर्वनीकरण व त्यांचे दुष्परिणाम, ये दोनों वनों को काटने को निर्वनीकरण कहते हैं, ठीक है। और पौधे लगाने से क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें आती हैं। ये 4 प्रकार के पॉल्यूशन याद कर लो, जैविक विविधता याद कर लो, उसके परिणाम याद कर लो, समाज पर क्या परिणाम पड़ रहा है, ठीक है। ये 4-5 चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ब्रूटलैंड वाला पढ़ लेना और एक सीडी वाला और पॉन्डस, ये 3 एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर 291। आगे बढ़ते हैं, वीडियो आप लोग डाउनलोड करके छोड़ दीजिए, चलता रहे। आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं कुछ हैं, घर बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नोट्स बनाते रहिए, इसको सुनते रहिए, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, सुनते रहो। लोक संख्या शिक्षण आवश्यक काया है, लोगों की इसकी ज़रूरत है क्या। विकसित व गरीब राष्ट्र लोकसंख्या वाढीचे कोणते परिणाम, अरे परिणाम ही परिणाम, दुष्परिणाम भाई। भारतातील लोकसंख्येची वयोगटानुसार रचना स्पष्ट करा, समाजाची परिवर्तनशीलता स्पष्ट करा, नीतिमूल्याची जोपासना योग्य प्रकारे झाली नाही तर समाजावर कोणते परिणाम होतात। सीधा असा अर्थ आहे, समाज में अगर गलत नीतियां चलेंगी, गलत चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारा सक्सेस और हमारा ग्रोथ संभव नहीं। आगे बढ़ते हैं, भारतातील शहरांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढ आहे, शहरों में संख्या बढ़ रही, लिखो कारण लिखो और उसका निवारण भी आप एक लाइन में जरूर लिखिए। प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय स्पष्ट करो, मोठा कुटुंबाला प्रेरक अशी पारंपरिक अभिवृत्ती व मूल्य कोणती स्पष्ट करो, सहजीवनाविषयी माहिती लिखो। ये सब 5 मार्च के सिंपल क्वेश्चन हैं, इसको तो आप नहीं पढ़ोगे फिर भी लिख दोगे। सब वर्ड्स एंड मीनिंग्स वाला क्वेश्चन है ना, हर चैप्टर के लास्ट में उसको पढ़िए जरूर, सब मिल जाएगा उसमें। प्रेम व मोह यातील फर्क स्पष्ट करा भाई, लिखो प्रेम और मोह क्या है। मोह किसी कारण से हो सकता है, प्रेम अकारण हो सकता है। मोह किसी चीज़ को ले हो सकता है, लेकिन प्रेम बिना किसी चीज़ के भी हो सकता है। इसमें नहीं फंसते हैं, क्वेश्चन जो बुक में लिखा उतने। लग्नानंतर मुँह लवकर हो देना से फायदे कौन थे, ठीक है। इसके फायदे आप लोग लीजिए, सब जानते हैं, ये सब जनरल, सब जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। सामाजिक परिस्थिति शासनाचे धोरण स्पष्ट करो, शासन का क्या धोरण है उसको लिखो। स्वप्न अवस्था मंजे काय त्याचे समझ व गैरसमझ स्पष्ट करा। लैंगिक शिक्षणाचे उद्देश्य थोडक्यात स्पष्ट करा, क्यों इसकी शिक्षा आवश्यक है। कुटुंब नियोजन मंजे काय, क्यों कुटुंब नियोजन जरूरत है और कैसे किया जा सकता है वो भी लिखना आप। गुप्त रोगाचा उपचाराबाबत कोणत्या गोष्टीकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे। गुप्त रोग देखो, बहुत सारे लोग गुप्त रोग से बहुत शिकार हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है, जबकि उसका एक नियत नियम है कि उसको भी बहुत भारत सरकार ने बहुत सारे ये चलाए हैं, आपको फ्री में दवाइयाँ ये सब देने का, उनका बहुत सारा मुहिम चल रहा है, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। बाह्य चढ़े नियंत्रित करना से मार्ग कोणते स्पष्ट करा। विवाह संबंधी व व्यक्तित्व व्यक्तिमत्व संबंधित मूल्याचे आधारे लहान व मोठे कुटुंब यातील फरक स्पष्ट करा। क्या बात है, लहान व, अच्छा आप जानते हैं ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हो, घटिया समाज न बनने पाए। इसीलिए बीए के स्टूडेंट को पढ़ा दिया, जो 18 साल कर चुके हैं, जो कल समाज संभालने जाएंगे, कल जो परिवार संभालने जाएंगे, माता पिता रहेंगे उनके साथ, उनके भाई बंधु रहेंगे, उनको कैसे संभालें। पढ़ने का उद्देश्य ये है, पढ़कर एग्जाम दे करके पास हो जाना, डिग्री ले लेना का उद्देश्य नहीं है। लोकसंख्या शिक्षणात कसोटीचे महत्व स्पष्ट करा, क्या महत्व है। लोक विरुद्ध अर्थात जो शब्द शास्त्रीचे प्रश्न कैसे आसावित थे, उदाहरण स्पष्ट करा। ये सब पढ़ लो, बहुत सारे जनरल क्वेश्चन इसमें हैं। देखो लोकसंख्या को लेकर इसमें क्वेश्चन आएगा, अलग डिसीजेस के बारे में आ सकता है, कौन से गुप्त रोग के बारे में, और लोक संख्या संबंधी जाएगा और विवाह संबंधी, ऐसे 4-5 प्रश्न हैं जो 100% आने वाले हैं, ठीक है। और लोकसंख्या की शिक्षण की ज़रूरत है, इस पर क्वेश्चन 100% आता है, फर्स्ट क्वेश्चन। और अगला है कि विकसित व गरीब राष्ट्र, विकसित और गरीब राष्ट्र को लेकर एक क्वेश्चन 100% आएगा। चलते हैं थर्ड बुक पर, दैट इज 292। ग्रामीण समाजशास्त्र अर्थाणी व्याख्या लिखा, 101 टक्का लिख लीजिए, ग्रामीण समाजशास्त्र जरूर आएगा। लघु परंपरा व बृहद परंपरा या संकल्पना उदाहरण सहित स्पष्ट कर, दोनों आएगा। खेड्याचा विकासासाठी कोणती भौगोलिक माहिती, उसके विकास के लिए क्या जानना आवश्यक है लिखो। खेड्यांतील
कोंडवाड़ासी माहिती लिखा। जातीची व्याख्या सांगून जातीचा स्पष्ट, जाति को लोग गलत तरीके से ना, इसलिए आपके सिलेबस में सब चीज़ें रखी जाती ताकि आप लोग सही चीज़ पढ़ें, केवल पढ़कर के खुद ना समझें। भाई समाज में जाइए, बांटिए, लोगों को बताइए कि इसका अर्थ ये है, जो आप समझ रहे हो वैसा नहीं होता है, इसका अर्थ वास्तविकता में ये है, इसलिए इन चीज़ों की व्यवस्था की गई थी। कुल संघटना मन से काय इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक काळात जाती स्तरीकरणाचा प्रभाव कमी होता है, याचिका सही बात है। अभी लोग जाति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, धर्म कर्म पर ध्यान देते हैं, और किस तरह के आप लोग उस पर लोग आप ध्यान देते हैं, भले ही एक ही जाति के हैं, अगर अच्छे नहीं, आपके विचार अलग हैं, गलत व्यवस्था है आपके साथ, तो आप लोग छोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगाते। तो हमारा एक ही उस चीज़ का जाति पर 100% दो क्वेश्चन आएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतात जमींदारी पद्धति शुरू केल्यानंतर कोणते वर्ग तैयार झाले, जमींदारी वर्ग तैयार होगा, सीधी सी बात है, और ये लोग छोटे मोटे का शोषण करने लगे, देख रहे हो कि नहीं, सीधा इतिहास बता रहा है, सीधा बता रहा है कि पहले भारत में जाति को लेकर कोई समस्या नहीं थी, अंग्रेजों ने आया फूट डालो और राजनीति करी, मुगलों ने आए फूट डालो राजनीति करी, इन्होंने ही आपस में हमको लड़ा दिया और हम मूर्ख ऐसे थे कि बातें समझ नहीं पाए, और बच्चों को बोला हम तो जातिगत स्थितियों में फंस गए, हमको तो इन्होंने मारा, हमको तो इन्होंने परेशान किया। बुक में क्या लिखा वो नहीं पढ़ते। 18 बलूते दारा सी नावली है, ये देखो कमी विपाकाचा सिद्धांत क्या है वो लिखो, इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र पूर्व काळात जमीन धारणा पद्धति लिखा, स्वतंत्र पूर्व के पहले कैसी थी उसको लिखो, जमीन धारण पद्धति। महाराष्ट्र जमीनी से वाटप आणि तुकड़ीकरणांसी कारण क्यों ऐसा किया गया वो लिख दो। शेतीचा उत्पादकता वाढविण्यासाठी कोणते संस्थात्मक घटक महत्वाचे आहे, उस संस्थात्मक घटक का नाम लिखिए। खेती की उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत प्राचीन भारतातील ग्राम पंचायतीचा संस्थाचा पात्रतेचा अटी कौन कौन से नियम थे वो आपको लिखना है। प्राचीन भारत में ग्राम पंचायत की संस्था का पात्रता मतलब वहाँ उसमें भाग लेने के लिए प्राचीन ग्राम पंचायत, भाई ग्राम पंचायत 100% आने वाला है इस बार, दो तीन क्वेश्चन बनेगा इसमें। रास कोण तक ग्राम पंचायत किस तरह से हट गई, देखो ग्राम पंचायत अभी भी चलता है भारत में, लेकिन वो आनंद नहीं आता, वो चीज़ें नहीं हो पाती जो एक ग्राम पंचायत को करनी चाहिए, उसमें जब तक हम और आप नहीं सक्रिय होंगे, जब तक हम लोग आप लोग दूसरों को जगाएंगे नहीं, तुम ही जगा दूसरा वाला जगवा, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तब तक भारत देश का कल्याण नहीं हो सकता है, वो हमको आपको मिलकर के करना है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट फॉर एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड। जिला परिषदेचा एकूण किती व कोणत्या समितिया, कितनी समितियाँ वो लिखी है। रॉबर्ट डहाड यानी राजकीय विश्लेषणाचे कोणते चार प्रकार सांगितले आहे वो लिखो, और देखो सही है कि नहीं है वो भी है। सहकारी चळवळीचे फायदे, ग्रामीण कलेची वैशिष्ट्य, ग्रामीण मनोरंजन, ये तीनों 100% इस बार भी आएंगे, ठीक है। और एक जिला परिषद, ये चार क्वेश्चन पक्का आएंगे, जरा इसको रट लेना। 292 हो गया, अब चलते हैं आगे। 29 सोशियोलॉजी 312 294 293 चलिए 312 देखते हैं, इसका नाम है वयोवर्धन प्रक्रिया। कुटुंब हा समाचार से टेकू आए, सिंपल सी बात है, ये कोई कहने की बात है, आप इसको स्पष्ट कर दो। ग्रीसची वृद्धत्वा विषयी कल्पित कथा, थोड़े क्या शब्दात लिखा लिख देंगे। वार्धक्यात अपघात टाळण्यासाठी कोणती विशेष काळजी घ्यायला हवी, वार्धक्यात अपघात टाळण्यासाठी ये लिखिए। चैप्टर देखो, सब्जेक्ट का नाम पढ़ने से ही आधी चीज़ें क्लियर हो जाती है। वयोवर्धन प्रक्रिया, कैसे हमें इस चीज़ को आगे ले चलनी, स्त्री या पुरुषापेक्षा दीर्घायुषी यावर छोड़ का टिप लिखा। पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की उम्र होती है, आप जानते हैं उनको रोग भी कम होता है, क्यों है स्त्रियांचे पुरुषांपेक्षा अधिक काल जगड़े, या स्त्रियों से ज़्यादा पुरुष कभी, इनका कारण आपको लिखना है, दोनों का कारण अपनी बुक में दिया हुआ। ब्रह्मचर्या श्रमावर थोड़े क्या टिप्पणी का, ब्रह्मचर्य का आश्रम होता है हिंदू धर्म में और उसका बहुत बड़ा महत्व है, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, धर्म कहता है, आपकी बुक में जो लिखा वो भी अवश्य लिखे। अच्छा, ब्रह्मचर्य क्या है, जो केवल ब्रह्म का शरण ले, संसार की चीज़ों में न फंसे, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मचारी ऐसा नहीं जो शादी न करे, बिल्कुल नहीं, अविवाहित और ब्रह्मचारी में जमीन आसमान का अंतर। नेत्र बदलव त्यामुळे होणारे दृष्टिकोणात कोण, नेत्र बदलव त्यामुळे होणारे दृष्टिकोण कोणते ते लिहा। वृद्धांच्या मानसिक समस्या मधील कारणे कोणती, उनकी मानसिक समस्या क्यों बदल जाती है वो आप लोग लिखिए। और केवल कारण अगर कहीं भी पूछ रहा है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, केवल कारण अगर कहीं पूछ रहा है तो केवल कारण बताकर नहीं हटना मित्रों, उसका थोड़ा बहुत उपाय जरूर है। वृद्धत्वातील मानसिक
बदला बार योग्य उपाय कौन थे। देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन पूछ, वृद्धत्व के ऊपर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अस्थिर विरढ़ते स्वरूप, इसके बारे में लिख दो जरा, 5 मार्क में एक पेज। पचन क्रियेत अड़चणी आणल्यास वृद्धांचा आहारात कोणते बदला। उनको बाहरी आहार न दे, हल्का आहार दे, थोड़ा थोड़ा कई बार में दे, एक साथ ज्यादा भोजन ना दे। वृद्धांचा प्रवासातील आहार कसा असावा, प्रवास के समय आहार कैसा होना चाहिए, ये भी आप लोग जानते हैं, ये सब कॉमन चीजें हैं। आरोग्याची व्याख्या लिहून, आरोग्याची 3 प्रमुख, 100% इस बार भी आ रहा है। आरोग्य को लेकर 2 क्वेश्चन कम से कम आएगा। वृद्धांचा सेवा क्षेत्रातील शिक्षण, जाणीव जागृती, माहिती व प्रशिक्षण सेवा कोणता, कौन कौन सी है वो लिखिए। वृद्धत्वात पदार्पण ओळखण्याचे घटक कोणते, कैसे पता चलेगा कि बुढ़े हो रहे हैं। जरूरी नहीं कि उम्र हो तभी आदमी बुढ़ा हो, कभी कभी उम्र के पहले भी शरीर के लक्षण ऐसे होते हैं कि आदमी बुढ़ा हो जाता है। वृद्धांचा स्वातंत्र हकातील तत्वे, कौन कौन से चीज़ उनके स्वातंत्र, कौन कौन से हक हैं उसके बारे में लिखिए। जैसे बच्चे अपने माता पिता को घर से नहीं निकाल सकते, सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसा करोगे जेल में ठाक डाल देंगे, और आपके एक आपके सैलरी से अलग सैलरी उनको कट कर जाएगी ताकि उनकी सेवा हो सके। कोणता बदलत्या सामाजिक परिस्थिति में ध्यान एकाकी रहा लगे। सिंपल वही क्वेश्चन में जो बोला, लोग अपने सुख के लिए या उनकी सेवा करनी पड़ती है, ऐसे बहुत सारे कारण आप लिखिए। ज्येष्ठापयोगी संस्थित सामाजिक प्रकल्प हाथी घेऊन काही महिला मंडले कोणते विशेष कार्य करतात, ये आप जानते हैं कौन सा विशेष कार्य, वृद्धाश्रम खोल देना है और सब चीज़ें उनके लिए व्यवस्था करना, जो कि बिल्कुल गलत है समाज में। मैं तो कहता हूँ वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नहीं तो क्या है? एक दूसरे की हम जिम्मेदारी से तरह लेते चलें और एक दूसरे की सेवा होते चलें, क्योंकि हम भी तो कभी बुढ़े होंगे। मुद्दा ये है वृद्धांचे व्यवस्थापन करणारा संस्थेचा कोणता है, 3 प्रकारानुसार 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, उनका वर्गीकरण कर लो। वृद्धाना वृद्ध वृद्धाश्रमात बैंक व अर्थ नियोजन विषय कोणता सोई उपलब्ध करुणीय आवश्यक है, वहाँ पर अर्थ नियोजन की भी व्यवस्था हो सकती है क्या, अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। मैं गया था यहाँ विरार के पास एक बार वृद्धाश्रम में, देखा मैंने बहुत कम उम्र की भी माताएं वहाँ, ऐसा नहीं कि 60-70-80 वाली हैं, बिल्कुल कम उम्र की माताएं लोग, और देखा मैं लोग छोड़कर आते हुए देखा मैंने, लोगों को मिलने आते हैं लोगों को वहाँ मैंने देखा है, मतलब बहुत दुखद स्थिति होती है मित्रों जब हम देखते हैं ऐसी स्थितियाँ। तो वृद्धावस्थित उत्सर्जन कार्यात विघाड़ होने अच्छी कारण है, बहुत सारी समस्याएं होती है, शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। तो जितने क्वेश्चन अगर इतने कर रहे हैं तो आपको 40 से 50% तक फायदा होने की चांसेस हैं। आगे आते हैं औद्योगिक समाजशास्त्र 294, जिसका एक वीडियो और है, इसी वीडियो के लिंक मैं दे दे रहा हूँ, और 293 दोनों का मैंने एक वीडियो अलग से स्पेशल बनाया क्योंकि उसका पेपर मुझे पहले मिल गया था, वो अलग पेपर है। औद्योगिक समाजशास्त्र इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में जो समाजशास्त्र चल रहा है उसके बारे में यह है। आगे बढ़ते हैं, उद्योग मंजे का 100% आएगा। औद्योगिक समाजशास्त्र गुनहगारी शास्त्र, इस पर संबंध क्या है ये आएगा, ये डिफरेंस पूछ सकता है। उद्योग धंधा होने कुटुंब संस्थित कौन से परिवर्तन आए हैं वो लिखो। औद्योगिक समाजशास्त्र की व्याप्ति, ये और ये एक ही क्वेश्चन है। श्रम विभाजन आणि विशेषीकरण म्हणजे काय वो लिखो। एक क्वेश्चन और बताऊं, ये और ये दोनों सेम क्वेश्चन है, वर्डिंग्स अलग है बस। महत्व व्याप्ति, 13व्या शतकात कारागीर संघाची रचना कशी होती, पहले लिखो और अभी का भी लिख दो, नीचे का भी एक लाइन में लिख दो कि इस समय कैसी है, पढ़कर जाए। औद्योगिक नौकरशाहीतील रेखात्मक संरचनेची वैशिष्ट्य, औद्योगिक नौकरशाहीतील रेखात्मक संरचनेची वैशिष्ट्य लिहा। कामगारांच्या दृष्टीने आर्थिक सुरक्षितता म्हणजे काय, ESI PF के बारे में आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उनकी आर्थिक सुरक्षितता तभी निश्चित की जाती है। कोणत्या भौतिक घटकामुळे कामगारांचा तणाव, किस तरह से उनके मन में तनाव निर्माण होता है वो लिखो, और उसका कैसे निर्मूलन होगा, कैसे उसको खत्म करें। उद्योगातील कार्यकारीचा भूमिकेतील सर्वसामान्य उद्दिष्टी कोणती लिखो। उद्योगात पर्यवेक्षकाच्या भूमिकेवर कोणते ताण तणाव पडतात, देखो ताण तणाव बहुत पूछता है, जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर है मैनेजर होते हैं उनके साथ क्या क्या समस्या होती। कामगार संघटना व्याख्या सांगून कामगार संघटनेची कार्य लिहा। कामगार संघटना समझते ना, ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बदल माहिती, इंटक, ये इंटक है आपके बुक में लिखा, कब हुआ कैसे हुआ क्या किया। औद्योगिक कलाशी कारण, ये 100% आता ही आता है, हर बार आता है।
सामाजिक बीमा योजना की माहिती ईएसआईसी या ईएसआई आप जानते ही होंगे आपके सैलरी से कटता है जो। इसवी सन 1923 या प्रसूति कायदी, मैटरनिटी बेनिफिट ईएसआईसी और पीएफ ये 100% आएगा, 200% आएगा। सामाजिक सुरक्षित महत्व ये 200% आएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कामगार कल्याण सभी कौन-कौन योजना और कार्यान्वित की है पीएफ ईएसआईसी के अलावा, वो भी अप्लाई किए तो खैर नेशनल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कामगार कल्याण कार्याचा अंतर्गत कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत? देखो कामगार कल्याण महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया और ये नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया ये लिख करके दो। वेरी गुड, वेरी सिंपल पेपर और आप लोग लिख लीजिए। जितने क्वेश्चन इतने भी कर लेंगे ना तो कम से कम 40-50% फंस जाएगा। अंतिम क्वेश्चन पेपर समाजशास्त्र से अभिजात विचारवंत। बिल्कुल मित्रों पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ और दूसरों में जब तक जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक हमारी पढ़ाई कोई मतलब नहीं। समाजशास्त्र के उदय करने में वैज्ञानिक क्रांति का क्या योगदान रहा वो लिखिए। कैसे वैज्ञानिक तरह से स्पष्टीकरण देकर के लोगों के बीच में बताया जाए भैया इस समाज में भी क्रांति की आवश्यकता है, समाज में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। औद्योगिक क्रांति से सामाजिक परिणाम लिखो, औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या इफेक्ट पड़ा है वो लिखो। अगस्त कामत चा जीवन परिचय थोड़ा क्या लिखा इनके बारे में लिखो, इन्होंने क्या किया। अगस्त कामत यांचा बौद्धिक सामाजिक उत्क्रांति चा बौद्धिक सामाजिक उत्क्रांति चा सिद्धांत, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया वो लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेंसच्या व्यक्तिमत्वात जळण घडणीतील महत्वपूर्ण घटनांविषयी थोडक्यात माहिती लिखा स्पेंसच्या व्यक्तिमत्वाच्या, ठीक आहे। क्वेश्चन टू, एक रेषात्मक उत्क्रांति क्या है और बहुरेषात्मक क्या है? इन दोनों में से एक हर साल आता है। आप बोल रहे हो कि सर एक ही क्वेश्चन पेपर पढ़ करके आप पूरा बता रहे हो, बस आप केवल देखते चलो और पेपर आएगा तो जस्ट आकर कमेंट करना, बस और कुछ कहने लायक नहीं है, ठीक है। केवल टेक्स्ट बुक ओपन करो फटाफट पढ़ लो, समय अभी है। पूर्व कथन ही संकल्पना स्पष्ट करा, ये पूर्व कथन ही संकल्पना मन से गाय कहीं इसके बाद तो नहीं करना बहुरेषात्मक आणि एकरेषात्मक। बेवर ने सामाजिक क्रियेचा प्रकार किती व कोणते सांगितले, कौन कौन से हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कोणते नाम लिखो आणि त्या प्रकाराविषयी थोडक्यात माहिती दो दो लाईन का उसके बारे में लिखो, 5 मार्क। जो क्वेश्चन बड़ा लगे मित्र छोड़ देना, 5 में 5 करना आवश्यक नहीं है, 4 ही करना है। पता चला 1 में आपने 2 ही 3 किया, 1 में 5 कर दिया, नंबर 4 ही का ही मिलेगा, इसलिए 4 4 करो। बुद्धि संगततेवर टिप्लिया ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है उसको लिखो, 3 और 4 पे आते हैं ये आपका अंतिम पेपर। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। खालील पैकी कोणते ही 4 उपप्रश्न सोडवा, सरंजामशाही उत्पादन प्रणाली ये लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक में कर देख लो। गणात्मकते कडून गुणात्मक परिवर्तनाविषयी मार्क्स चे विचार उसको लिखो। आदिम साम्यवादी समाज इस पर लिखो। उपयुक्ततावाद यावर टिप्पणी है, ये तो आदिम उपयुक्ततावाद संरचनात्मक कानून ये सब चीजें आप लिखिए। और सामाजिक तथ्यात वर्तन नियंत्रित क्षमता अस्ते या विषयी दुर्खीम से विचार स्पष्ट करा। सामाजिक तथ्यात वर्तन नियंत्रण क्षमता अस्ते इसके बारे में आप उनके विषय मतलब उनके जो विचार हैं उन्होंने जो सोच करके उन्होंने जो व्यवस्था रखी है उसके बारे में अपने को लिखना है। अच्छा किसी का अगर आप विचार लिख रहे हैं ना तो उसमें अपना विचार मत जोड़िए, थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा जोड़ेंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा तो उसको तकलीफ होती है, फिर वो मार्क कट कर देगा, पूरा नहीं हटाएगा। इसलिए बच्चे बोलते सर लिखा तो था पूरा पेज। एक बच्चा पूछता सर पूरा पेज लिख करके आया था, नंबर तो 2 ही मिला, तो पूरा पेज लिखने से नंबर नहीं मिलता है भाई, क्योंकि केवल एग्जामिनर कॉपी चेक कर देगा, नहीं होता उसके ऊपर एक और एक ऑफिसर होता है वो भी कॉपी चेक करता है, तो अगर वो सामने वाला फंस गया एग्जामिनर तो उसकी सारी कॉपी चेक हो जाएंगी, इसलिए सब सोच विचार कर कॉपी चेक होती है। यांत्रिक ऐक्य भाव सामाजा तील व्यक्तिंची वैशिष्ट, यांत्रिक ऐक्य भाव सामाजिक तील व्यक्तिंची वैशिष्ट लिखो। यांत्रिक ऐक्य भाव ये जो यांत्रिक ऐक्य भाव है इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। अगला सामान्यतः जागृत्याला समाज आत्महत्या समझत नहीं पर दुर्खीमच्या व्याख्यानुसार ही करती आत्महत्या या सदरात मोडते अशी उदाहरण। देखो आत्महत्या शब्द ही निगेटिव है उसको यहाँ लाना ही नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो समाज में समस्याएं खड़ी करती हैं, ठीक है।
तो सामान्यतः ज्या कृत्याला समाज आत्महत्या समजत नाही, पण दुर्खमीमच्या व्याख्यानुसार ही कृती आत्महत्या या सदाचे मूर्ते अशी उदाहरण लिया। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आत्महत्या संबंधी दुर्खीम, अरे यार दुर्खीम का बहुत सारा क्वेश्चन है, एक दो एक ऊपर भी है। सामाजिक तथ्यात वर्तन नियंत्रण दुर्खीम, दुर्खीम वाला पक्का पढ़ो भाई, पक्का पढ़ो। समाज व धर्म यांचा संबंध, ये ऐसा संबंध जो कभी नहीं टूट सकता है। इसके बारे में लिखो 5 मार्क का मेरा क्वेश्चन, हेडिंग अंडरलाइन बढ़िया से लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छा दो, 5 ही मार्क में आपको सब कुछ बता देना है। मित्रों ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ भी मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर नहीं है, जैसे मेरा एक वीडियो है वॉइस में ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, इसकी लिंक मैं इसी वीडियो में दे दे रहा हूँ, आपके पेपर अच्छा जाए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट अवश्य करें, लेकिन वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय